સુરતના ભાટીના સ્થિત ખ્યાતનામ સુફી સંત હજરત પીરવાડી ખવાલે બાવાનો ઉર્સ ધૂમધામપૂર્વક ઉજવાયો છે. સાંજે દરગાહ શરીફમાં દુરુદ્દો સલામની સાથે દરગાહ પરિસરમાં લંગરે આમ નિયાઝમાં તમામ ધર્મના શ્રદ્ધાળુઓએ ભાગ લીધો હતો. ભાટીના સ્થિત ખ્યાતનામ સુફી સંત હજરત પીરવાડી વાલે બાવાનો ચાલુ વર્ષ તારીખ 1 જાન્યુઆરી ગુરુવારના દિવસે સંદલ શરીફની ઉજવણી કરાઈ હતી અને તારીખ 2 જાન્યુઆરીના રોજ ઉર્સ શરીફની કોમી એકતાના વાતાવરણમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, તેમજ નિયાઝ પ્રસાદીનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હઝરત પીરવાડી વાલે બાવાની દરગાહ શરીફના ઉર્સની 2 દિવસ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઉર્સ પ્રસંગે સંદલ શરીફનું જુલુસ દરગાહ શરીફ ખાતે પહોંચ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમ બિરાદરો જોડાઈ અંકિદત પેશ કરી હતી. દરગાહ પર અવારનવાર શ્રદ્ધાળુઓએ જાહેરીનને ફૂલોની ચાદર ચડાવી પોતાની માનતાઓ પૂર્ણ કરી હતી. ભાટના સ્થિત પીરવાડી વાલે બાબાની દરગાહના ઉર્સ નિમિત્તે એક શાનદાર લંગરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લંગરમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો પ્રસાદીનો લાભ લીધો હતો. દરગાહને કોમી એકતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓએ સાથે મળી ઉર્સની ઉજવણી કરી હતી. માજી કોર્પોરેટર શ્રી લાલખાનભાઈ પઠાણ તથા દરગાહના ટ્રસ્ટીઓએ ઉર્સ પ્રસંગે તમામ તૈયારીઓ કરી હતી. કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત. આપના નામ? પ્રતાપભાઈ પાનવાલા. પ્રતાપભાઈ, આજ હિન્દુ મુસ્લિમ મિલકે ઉર્સ મના રહે, ક્યા બોલના ચાહતે હો? હમ આજ સે 44 સાલ પહેલે સે હમારા ઉર્સ ચાલુ હે ઓર હમારા ટ્રસ્ટ મે મેં એક હિન્દુ હું ઓર હમ સબકો લેકે ચલતે રે, એ લોગ મેરે કો લેકે ચલતે, એ બહોત બડો સ્વાભિમાન કી બાત હે. इसमें हमारे हिंदू समाज को भी ऐसा लगता है कि नहीं, हम मुस्लिम लोगों ने अपना हिंदुओं को भी एक रखा हुआ है, तो हमारे उर्स के अंदर हिंदू मुस्लिम की ये एकता है. कितने सालों से उर्स मना रहे हैं? 44 वर्ष हो गए इससे. क्या बोलना चाहते हैं इस एकता के बारे में? हमारी एकता इसी है कि आज एक दूसरे के लिए हम दान दे सकते और सबको मिला सकते, बुला सकते. हमारे यहाँ लंगर में हिंदू मुस्लिम सब हर जात के लोग यहाँ आते हैं, लंगर खाते हैं. उसके दिन कैसा महसूस होता है? मेरे को तो ऐसा महसूस होता है कि मैं कौन सी जगह पे और कैसा जी रहा हूँ यहाँ पे. ये लोग कितने चाहते हैं मेरे को, एक एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम का, एक मिसाल है जैसा मैं चाहता हूँ. मेरे लिए बहुत बड़ा मिसाल है. अरे इधर का आ रहा कि नहीं रहा? आपका नाम? लाल खान पठान, माजी कॉर्पोरेटर. कौन सी जगह और किस बाबा का उर्स? आज हम वाड़ी वाले बाबा के दरगाह का उर्स और संदल यहाँ पर बहुत बड़े पैकाने में 5,000 से लेकर ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आज न्याज तकसीम हुई, बहुत बड़ा लंगर हुआ है और कल संदल का प्रोग्राम हुआ. आज कल भी चादरें निकली है, आज भी चादर निकलेगी. ये वाड़ी वाले बाबा का उर्स धूमधाम से इसीलिए मनाया जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता है और जो भी यहाँ पर मन्नत लेकर आता है वो मन्नत उसकी पूरी होती है. ये कीदा पक्का है, इसलिए उनका मन्नत भी पूरी होती है. इसलिए वाड़ी वाले बाबा के पास आज 5,000 लोगों ने यहाँ पर लंगर के अंदर खाना खाया है. कितने साल से उर्स मनाया? ये वाड़ी वाले बाबा का उर्स मैं तो समझता हूँ कि 44 साल से हम यहाँ पर मना रहे हैं. और 44 साल से जो उर्स का मजमा उमट रहा है उसकी वजह क्या है? ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के जितने मेम्बरान कमेटी है बहुत लगन से और बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं. एक खुशी की बात ये भी है कि हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है. प्रताप भाई पानवाला करके हमारे ट्रस्ट के अंदर एक हिंदू भी है, तो इसलिए आज ये यहाँ पर वाड़ी वाले बाबा की दरगाह बहुत रंगे चंगे से उर्स मनाया जाता है और लोगों का एकीदा पक्का है, लोगों की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं. आपका नाम? अल्ताफ शेख. तब भाई कौन सी जगह और कौन से दरगाह का उर्स? ये भाटेना विस्तार है और हजरत पीरवाड़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है. भाटेना के अंदर ये दरगाह है, हजरत पीरवाड़ी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है. कैसा उर्स मनाया जाता है? उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यहाँ पर तमामी लोगों का जो सम्मेलन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोग यहाँ पर जमा होते और सब अकीदत और मोहब्बत के साथ में ये जुलूस निकलता है. संदल शरीफ का उर्स शरीफ का चादरें वगैरह निकलती है और लंगर वगैरह होता. 5,000 से 7,000 लोग अभी लंगर में खाना खा कर गए. कितने दिन उर्स चलता है? ये 3 दिन उर्स चलता है, गुसल, संदल और उर्स. एकता के विषय क्या बोल रहे हैं? एकता में तो यही बताएं कि भाई जो तंजीमें अभी चल रही है फिरका परस्ती, फिरका वारियत के बारे में जो आपसी मतभेद को बढ़ा रहे, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो फूट डाली जा रही है, ऐसी तंजीमों से बचना चाहिए
और तमाम हिंदू मुसलमान ने एकजुट होकर हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए साथ मिलकर चलना चाहिए। ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम एक मिलके उर्स बनाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सब एक समाज मिलकर के ये उर्स मनाते, बहुत खुशी होती है और दिल से दुआएं निकलती है कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और अमान शांति कायम रखे।